अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हनीया ताई व्लॉग्स। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक लंबे समय के बाद मैं दोबारा से आपके सामने एक फजूल सा नकम्मा व्लॉग लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर देख लिया तो नहीं, मतलब अभी तो नहीं देखी होगी, मतलब आके देखेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक मारो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको झटपट से मिल जाए। तो यार, आज मैं आपको पहले बता दूँ मैं क्यों नहीं ब्लॉग्स बनाती। एक्चुअली मैं सेकंड ईयर में हूँ, ठीक है, और मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा मतलब यार पढ़ने वाला सिस्टम ठीक है, मैं नहीं पढ़ती, इतना नहीं पढ़ती, पढ़ती हूँ लेकिन वो टाइम नहीं लगता इतना ज़्यादा, तो इसीलिए मैं ब्लॉग्स थोड़े कम ही बनाती हूँ। और अभी अगर मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ तो टीचर्स कहेंगे पढ़ती नहीं है, ब्लॉगें डालती रहती है, ब्लॉगें फजूल। चलो खैर, तो बस अब मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं कॉलेज से आई हूँ, आके मैंने खाना खाया है और आकर अभी मैंने क्या किया और कुछ भी नहीं किया, अभी मैं ये मोबाइल लेकर बैठ के ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज है हमारी एमन पेड़ा शाह और एमन शाह उर्फ हलीम का बर्थडे, उसे भी हमें अपने घर इन्वाइट किया है। तो अब हम लोग जाएंगे रेडी शेडी होकर। मुझे पता है, मैं सोच रही हूँ कि अपने ब्लॉग का नाम हानिया तारी ब्लॉग से हटा कर बर्थडे ब्लॉग्स देख देती हूँ। मेरे चैनल पे 90% कंटेंट मुझे पता है बर्थडे का, या क्या है, मतलब आते हैं तो हम जाना नहीं है। तो खैर, अब जल्दी से जाके मैं अपने कपड़े निकालती हूँ क्योंकि जाना है, 3 बजे का टाइम है और 2 बज रहे हैं। जाके अब कपड़े प्रेस करते हैं, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहनना है और गिफ्ट भी दिखाते हैं, गिफ्ट क्या लेके जाऊँ। स्टे कनेक्टेड। तो ये वाला मैं निकाल रही हूँ, ये मतलब एक वो कॉलर क्या बोलते हैं, कॉलर वाली शर्ट है मतलब ऐसे, और साथ में जीन्स ब्लू कलर की। तो मैं बताती हूँ, थीम थी ब्लू एंड ब्लैक कलर की, ठीक है। मुझे पता है किसी ने थीम फॉलो नहीं किया, यार मेरी जुबान को क्या आज लगा हो जा रही है। अच्छा, तो मुझे पता है कि किसी ने भी थीम को फॉलो नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं मतलब मुझे ये सही लगा, तो उसने कहा था वेस्टर्न मतलब थोड़ी सी थीम है, ठीक है पहन लेंगे। तो अब मैं बात स्ट्रेट कर लूँ, रेड शेड होते हैं पेंट निकलते हैं। ओके गाइस, मैं रेड शेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको वहीं पे जाके गिफ्ट वगैरह दिखाऊंगी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो जब वो अनबॉक्सिंग वगैरह कर रही होगी ना तब दिखाऊंगी आपको। मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग एमन के घर पहुँच चुके हैं, पिक्चर्स बना ले और तस्वीर बना ले यार मैं अब क्या ही बोलूँ, हम पिक्चर्स बना ले, पिक्चर्स होता है ओवर। लोग बाय पिक्चर्स बनाने आए हैं। हाँ हाँ, कर लो रोल नंबर स्लिप का शूट, फोटो शूट कर लो, ये मैंने तोड़ने मे फुल लुक दिखाना। हाँ, कैमरे से आप तो पीछे करो लड़की। अब मैं कंटिन्यूअसली लग रही हूँ, बहुत बकवास दूर। ओके जी गाइस, तो अभी हम लोग पिक्चर्स बना रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी हम लोग थोड़ी देर तक अंदर जाते हैं, सब यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं और मैंने भी बनाई है, बड़ी मजे की। अगर आप लोगों ने मेरी पिक्चर्स देखनी है तो वो जाके आप इंस्टाग्राम पे देखिए, इंस्टा का मैंने अकाउंट मेंशन कर दिया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो करो। और यहाँ पे चामियाँ चवले मार रही हैं। देखिए गाइस, तो हम लोग पिक्चर्स ना के आ गए, हमारे सारे जितने लोगों ने आना था, एक हमारी दोस्त बेचारी नहीं आ रही, वो ही मिस यू शवाल शवाल नहीं, उसकी बेचारी मामा ने मना कर दिया है, बहुत अफसोस, बेचारी के मामा ने मना कर दिया है। इसको मैं जरा इलाज कर लूँ कैमरा मन, तभी हम लोग यार हम कुछ भी नहीं कर रहे, लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, से 2 घंटे से पिक्चर्स बना के बैठे और तब जो बैठे ही हुआ, अभी वो नमाज वगैरह मैंने भी ले ली है, तुम लेट आई है, और तू लेट आई है, तो मेरा कोई दिल नहीं है, नहीं तू लेट आई है, सबने एक साथ कहा नहीं। हे गाइस, सो वी आर अगेन बैक विद नो एनी न्यूज़, यहाँ पे पूरे कमरे में सिर्फ मैं और अलीजा खड़े, बाकी खड़े हैं सर, और बाकी सारे बच्चे वही गए हैं, वो बस अब टेबल वगैरह सेट हो रहा है, खाना वगैरह खाते, उसके बाद हम आपको गिफ्ट की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, ये पड़ी हुई है गिफ्ट्स, और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। और अब दोबारा से थोड़ी सी यू नो पिक्चर्स वगैरह क्लियर करते, क्लियर यार मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा लिटरली, ऑलरेडी सब कुछ सही हो जाएगा, देख लें कितनी छोटी है, दिखा दे कितनी क्यूट है।
ये जो आ रही थी मैं आपको बताती हूँ हमारे कॉलेज वाले ब्लॉग में, जिसमें शवाल की बर्थडे थी, ये वही है। ओके गाइस, हमारा खाना लग चुका है। हमने मेन्यू में पास्ता लिया है और बस अभी चेक करके खाते हैं। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ओवर ना ज्यादा सबसे पहले है अलीजे, काफी अच्छी पैकिंग, खुद की अलीजे, मतलब वाओ अलीजे का है, गिफ्ट रैप लपेटा हुआ है, लपेटा गिफ्ट रैप लपेटा हुआ। कौन है? अलीजे का
अच्छा गाइस अलीजे का यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात हो रही है साथ संभाल के जो कि आज नहीं है यार मैं भी खोलूं साथ व्हाट इज इट माय गॉड स्ले वेलकम पार्टी पे पहन के आना पिंक बहुत अच्छा सो ये दिया है अलीजे ने वो चोरी करके वापस आ रही वो चोरी करके आओ लेट्स ये किसका है ये है फाम्या का यार जासी बंदी अपना गिफ्ट देकर खुद ही वापस खींच रही लोग चोरी कर रहे हैं खोल ये देखें आई एम अ डोंकी ये किसने दिया फामिया ने वैसे मेरी चॉइस है ये भी मेरी चॉइस है नेकलेस फामिया ये कैंडी है ना ये पर्पल वाली मुझे भी और पर्पल फेवरेट है हाँ रोलो रोलो ये कैंडी नहीं दी जा रही तुमको यार पीस कर लो पागल क्यों हो चुके हो तुम सब ये चीजें इसमें डाल देना कैंडी सिंह ये भी है ये देखें गाइस देखिए है मैं बच्चों एक ये ब्रेसलेट पर्पल वाली मुझे खानी है यार ले लो जिसमें जो लेना है ले लो ये चेन है जी तो गाइस जो मैं बाद में पहनूंगी मैं सबके सामने बिल्कुल नहीं खोलूंगी एक दफा खोल के तो दिखा दो हां अंदर लिखा हुआ है लिखा हुआ है क्या पता वाओ नाइस Nice. ये विंटेज कार्ड वाला मैंने इनको एक आइडिया दे दिया अब सब लोग पहले ने रिशा के लिए भी बनाया हुआ है पहले का इंस्टा पे मैंने उनको भी मैंने ही सिखाया था गुड गुड ये शुभाशु भी कर दिया तूने भी सिखाया था तेरे मिलने से पहले चलो अब अगला किसका है मैंने देखा ये जल्दी कर लो बैग भी करने लग गई तू ये ले लो ये किसका है मायरा का वॉच है मुझे पता वाओ वाओ मुझे भी पता था वैसे दिखा दो सही मैंने हंसाने के लिए नहीं कहा लेमन आगे हो जाए ये मुझे लगा था सन होगा ये भी मायरा का ये भी हां देखा बहुत प्यारा है हां मायरा ने भी ऐसा पहना हुआ सिल्वर में तो ये गोल्डन भी है वाओ क्या वो क्वेश्चन तुमने पीछे अच्छी बात है जो चीज ज्यादा अच्छी होती है मुझे भी वैसे क्या जैसे मेरा फन लगा पूछो सवाल ओके फार्मूला मायरा दोनों के हो गए अब बारी है ज़ैनब की ने मुझे आज ही बताया कि वो क्या लाई है ओह माय गॉड हम खोल ओपन करके देखते हैं ओपन अच्छा इसको वॉच दिखा दे इसको कुछ लाओ तो उसको वॉच दिखानी है वेरी 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 क्यूट करके लाऊंगी फिर हम दोनों ना 50-50 अच्छा इधर आ जा अलीजा आगे हो जा और सारी ये मैंने आगे हो जा यार वाओ वेरी ₹10 को बताइए ₹700 का नहीं बहुत प्यारे माशाल्लाह खुद ही उड़ के आगे रिकॉर्ड भी है अच्छा ये मैंने पहले से देख चुकी हूँ सारा कैसे बैठू मैं यार ये तुमने कितने अच्छे ये खुद लगाया ये भी ज़ैनब के उतारो नेकलेस है निकाल लो इसको आ गया ये उठ वाओ नाइस ये वेस्टर्न के साथ बहुत अच्छा लगा ओए तुम्हारी तस्वीर जुड़ गई थी शिवाल चलो बैग बाद में करना अब बारी है मेरे वाले गिफ्ट खोलने की और इसे पता चल गया था इसलिए मैंने चेंज कर दिया अच्छा लग गया बता आपने चेंज कर दिया दोबारा बता दूं कोई चेंज चुप रहना मैं बताऊंगी क्या है हुडी है ये पता है क्या यार कितने तुम लोग बदतमीज हो हुडी है रेड कलर की बसपनी की और बसपनी बना है बसपनी जोर से गाइस ये देखो हानिया तारिका ना वो ये देखो ये मरा हुआ फूल शिवाल तुम भी हो शिवाल भी है शॉपर भी है ये
अच्छी लगी इस तरह की पहनती है। मैंने कहा था कलर बहुत प्यारा है। हाँ कलर बहुत प्यारा ऐसे फिर मेरे पास गया फन फेयर पे पहने। हाँ ठीक है फन फेयर पे इतनी गर्मी होती है कैसे पहनोगे? गर्मी गर्मी होती है ठंड होती है। देखना पिछले फन फेयर पे भी पहनी थी मेरे पास वो लेटर पे दो ये बड़ी महंगी ये तूने इससे मुझे स्ट्रीक दिखा दी थी। मुझे क्या पता था इसके लिए किसने तुझे मुझे भेजी थी ना मैं तो वैसे ही देख रही थी। मैंने स्पेशल इसके अंदर से हटाया कि इसको नाम चली जाए। मैंने स्पीक में सारा बड़ी बात की। मैंने मिचवा नींद आ रही है सोई नहीं मेरे को वैसे स्पीक की इस बात की बात हो रही है क्या? ओके गाइस स्वामी हमारा लोग जा रही हैं और ये तुम कहां पे लेके जा रही हो? इसको तो छोड़ो ना चोरी करके लेके जा रही है। गाइस ये मेरे से ट्रीट मांग रही है कि मैंने आईफोन लिया है। मुझे भी चाहिए ठीक है। किस बात के लिए? क्योंकि आपने आईफोन लिया नहीं क्योंकि इसने आईफोन लिया है इसका भी अगला लाइन है कि उसकी अलग ट्रीट मिलेगी। कब पहला फोन है उसकी अलग ट्रीट मिलेगी और ये पैदा हुई है उसकी भी ट्रीट चाहिए। पैदा हो गया एहसान थोड़ी एहसान ही तो किया है तुम्हें धरती में पहुंच। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती। उसका मतलब ये होता कि ना उन तकलीफों से डील करना। सारा बता दिया हां तो फिर लगा के बताऊंगी ना। चलो अभी गिनती बड़ा मजा अभी गिनने लगी। चलो यार निकलो फोन ले लो चलो आके मैं निकालना जा रहे हैं मेरा ऑफिस ऐसे ही है यार अपनी बहन की पॉकेट चेक करो ना ये वाली कुछ नहीं लेके जाएगी उसका मुझे फायदा है। तुम लोग कितने बगैर तुम्हें शक्ल चोर लगती है तू लगती है कुछ नहीं मांग सकते हैं यार ये खा गई है मुझे पता है खाई सबसे ज्यादा दो खाई है पॉपकॉर्न अल्लाह आपका तो अल्लाह ही आते हैं ये भी जा रही है दो दो की टीम बनाती नहीं तुम्हारे आगे चुके रहूंगे तुम्हारी आईफोन है तुम्हारे आगे तुम्हारे भाई का आईफोन है आप क्या एक घंटा ही रह गया मुझे और अब हम लोग एक रील बनाने लगे हैं वैसे ही क्या हाँ मैं मेकअप किधर लाइट अच्छी रहेगी यार ये वाला जो एरिया ना ये बिल्कुल इसको सामने रख के ऐसे खड़े हो कितनी बारी है ये चेक कर ये ऊंचा करो ना डबल तो क्या रख देते हैं इसको ओ पागल है इस तरह पीछे रखने के लिए भी कुछ लाओ अच्छा इधर हाँ कोई अच्छी चीज लाओ
गाइस सारी बर्थडे गुजर गई और अब जाके हमें बर्थडे कैप मिली है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने मतलब इन लोगों ने केक क्यों नहीं काटा, तो हमारी एमन और मतलब सबका ये बिलीव है कि केक काटना क्या है इस्लामिकली केक काटना सही नहीं है बिकॉज ये कोई ये यहूदियों का ही कोई रस्म है जो पुराने जमाने में होते थे ना, वो मून के जो केक होते हैं वो मून के तौर पे सिंबल के तौर पे यूज करते थे उनकी वर्शिप करने के लिए और कैंडल्स ब्लो करते थे और ये साइंटिफिकली भी सही नहीं है, ब्लो करके बहुत जर्म्स आ जाते हैं तो इसलिए पूरी रिसर्च के बाद इसने डिसाइड किया कि केक यार मेरे मोबाइल में ठीक है हम लोगों को बस आज खाना था और आज हम लोग ये रील्स बनाएंगे। यार ये तुम्हें सर पे आई नहीं थी मतलब पिक ही नहीं थी, ये हम लोगों ने देखें गाइस फुल वो किया हुआ है मतलब कैमरा सेट करने के लिए रील्स बनाने के लिए हर अपन थोड़ा सा पिकअप व्लॉग किया करती हूँ मैं क्यूटी आई। सो गाइस हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बना पिक्चर्स नहीं हमने एक रील बनानी थी हमने बना ली है और अब हम तीन हैं वी थ्री ऑन बेड एंड नाउ स्टार्टिंग चुगलियां। चलो यार चुगलियां करें किसकी करें क्या कर सकते हैं सानिया की करते हैं यार बड़ी बदतमीज औरत है सही में। चलो इसका गुनाह भी नहीं होगा क्योंकि ओए इसका गुनाह भी नहीं होगा सुन के इसका गुनाह भी नहीं होगा क्योंकि ये पीठ पीछे नहीं होगी सामने पहले मिलनी चाहिए थी हम शुगर लगाते थे हाँ बाद में मिली। चलो कोई नहीं अगली बर्थडे यार कल पीएस का टेस्ट है हानिया और कुछ नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ पढ़ के किताबा बांटती हूँ कोई नहीं यार पहले कौन सा पढ़ती है नहीं माशाल्लाह हिजाब के साथ ज्यादा पे लेते हैं मुझे लेने आ गए मैं रेडी शेडी होकर जरा अपने घर को निकल रही हूँ। थैंक यू उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। जी जी बहुत अच्छा लगा है बस अब हम लोग घर को निकलते हैं ओके गाइस। तो हम लोग यमन के घर से वापस आ चुके थे और अब कुछ भी नहीं इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और आगे भी बहुत मजे मजे के ब्लॉग आने लगे हैं क्योंकि आगे आ रही है हमारी वेलकम पार्टी और एक और भी आगे मजे के आएंगे। मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी इस समय तो सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी से मिल जाए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ बाय।